हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल द होम किचन। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है गोभी मंचूरियन। इट्स एन इंडो चाइनीज रेसिपी। इसे हम स्टार्टर के तौर पर सर्व करते हैं। आज मैं गोभी मंचूरियन ड्राई बनाऊंगी। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और स्पाइसी गोभी मंचूरियन कैसे बनाना है उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गोभी का फूल ले लिया है। ये अप्रॉक्सली 500 ग्राम्स है, यानी आधा किलो। अब हम गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे करने हैं और ना ही बहुत बड़े बड़े पीसेस कट करने हैं। इसी तरीके से हम सारे गोभी की फ्लोरेट्स कट कर लेंगे। मैंने पूरा गोभी कट कर लिया है और इसे मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है। कुछ छोटे पीसेस हैं, कुछ बड़े हैं। अब हम गोभी को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर करेंगे बॉईल। बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास पानी। 3/4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। एक बार स्टर कर लेते हैं और एक बॉईल आने देंगे। गरम पानी में हम कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स ऐड कर देंगे। गोभी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1-2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, बिकॉज़ हम गोभी को बाद में फ्राई करेंगे तब वो अच्छे से पक जाएगी। और अगर हम अभी गोभी को ओवर कुक कर लेंगे तो गोभी सॉफ्ट हो जाएगी और गोभी मंचूरियन क्रिस्पी नहीं बनेगा। 2 मिनट हो गए हैं, गोभी अच्छे से ब्लांच हो गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम गोभी को स्ट्रेन करके गर्म पानी निकाल लेंगे और इसे एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और गोभी को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो चलिए मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। बोल में मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून मैदा, यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर। अभी मैं ओनली 3 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ, बाकी के 2 चम्मच हम बाद में डालेंगे। और मैं ले रही हूँ 5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, यानी कॉर्न फ्लोर। इसे भी मैं अभी सिर्फ 3 चम्मच ही डाल रही हूँ, बाकी के 2 चम्मच मैं बाद में डालूंगी। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 3/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगैनो एंड सम चिली फ्लेक्स। इन प्लेस ऑफ चिली फ्लेक्स यू कैन ऑल्सो ऐड चिली पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, नहीं तो बैटर में लम्स आ जाएंगे और हो सकता है कि बैटर की कंसिस्टेंसी लिक्विड हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने एकदम स्मूथ बैटर रेडी कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही फ्लोइंग है। इस कंसिस्टेंसी के बैटर में गोभी अच्छे से कोट हो जाएगी। अब जो गोभी हमने ब्लांच किया था उसे हम बैटर में ऐड कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि गोभी अच्छे से ठंडा हो गया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बैटर की एकदम पतली पतली लेयर गोभी पे कोट हो जाए। हमने बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोइंग इसीलिए रखी थी कि एक बार की कोटिंग गोभी पर अच्छे से हो जाएगी। और थोड़ी सी थिक कोटिंग के लिए अब मैं ऐड कर रही हूँ द रिमेनिंग 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च एंड 2 टेबल स्पून ऑफ मैदा।
बेटर होगा कि अब हाथ से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि गोभी अच्छे से कोट हो जाए बैटर में। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड यू कैन सी ईच ऑफ द कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स आर कोटेड वेल। गोभी को देंगे थोड़ा सा रेस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल इज मीडियम हॉट। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी के फूल, एक 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 फूल को हम सेपरेटली डालेंगे। गोभी को हम दो बार फ्राई करेंगे इसलिए फर्स्ट टाइम में हम मीडियम हॉट ऑयल में ही गोभी को फ्राई करेंगे एंड सेकेंड टाइम हम एकदम तेज गरम ऑयल में गोभी को फ्राई करेंगे, तभी गोभी मंचूरियन एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे यानी फर्स्ट टाइम जब आप गोभी को फ्राई कर रहे हैं तो गोभी मीडियम ऑयल में फ्राई होगा तो वो अच्छे से अंदर से पक जाएगा। एज यू कैन सी गोभी पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है, गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे ऑयल से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के गोभी पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड फ्राई के लिए मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और आप अपना हाथ ऑयल के ऊपर रखकर देख सकते हैं, यू कैन फील द हीट। जो पहली बार में हमने कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स फ्राई किए थे वो हम इस हॉट ऑयल में डाल देंगे। जस्ट मेक श्योर कि गोभी के फ्लोरेट्स सभी अलग अलग रहने चाहिए। सो फ्रेंड्स, सेकेंड टाइम में ऑयल बहुत ज़्यादा तेज गर्म होगा और हमारी गोभी तो ऑलरेडी पकी हुई है तो इस टाइम पर कलर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। एंड यू कैन सी गोभी बहुत ही अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्पी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं फॉर मेकिंग द गोभी मंचूरियन। 1 कप स्प्रिंग ओनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे, 4-5 गार्लिक क्लॉज को भी बारीक काट लेंगे एंड दिस इज 1/2 कप सेजवान सॉस। 1 बड़ा प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर एंड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस एंड फाइनली द फ्राइड गोभी फ्लोरेट्स। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है। बेटर होगा कि आप चाइनीज वॉक यूज़ करें बिकॉज उसमें चाइनीज या फिर इंडो चाइनीज डिशेस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पैन में मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम उसमें गार्लिक डाल देंगे, चिली भी ऐड कर देते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसे सॉटे कर लेंगे जब तक कि गार्लिक में से जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओनियंस। ओनियन को भी हम बस 1-2 मिनट के लिए ही सॉटे करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट द क्रंच इन ओनियन। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे प्याज को। सो फ्रेंड्स, जस्ट इन अ मिनट और टू ओनियंस अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं डाल रही हूँ सेजवान सॉस। सो फ्रेंड्स, ये सेजवान सॉस की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन क्लिक द आई बटन। तो आज मैं यूज कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ सेजवान सॉस और स्पून से देखा जाए तो दिस इज 4 टेबल स्पून। सो फ्रेंड्स, सेजवान सॉस ऑलरेडी अच्छे से कुक्ड है तो इसे बस हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड देन वी विल एड सोया सॉस, टोमेटो सॉस एंड विनेगर। एंड सॉसेज में ऑलरेडी सॉल्ट है इसलिए मैं एडिशनल सॉल्ट नहीं ऐड कर रही हूँ। सॉस को हम 1-2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। एंड अब मैं ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग ओनियन। थोड़े से स्प्रिंग ओनियन मैंने रख लिए हैं गार्निश के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
एंड सॉस में ऐड कर देंगे हाफ ग्लास ऑफ वाटर। फ्रेंड्स नाउ लेट द ग्रेवी बॉइल। और जब तक ग्रेवी में बॉइल आ रहा है तो हम ग्रेवी को थिक करने के लिए स्लरी प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बिकॉज आज मैं गोभी मंचूरियन ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं हाफ ग्लास वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ग्रेवी के साथ बनाना चाहें तो इसमें पानी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। एज यू कैन सी ग्रेवी अच्छे से बॉइल हो गई है। हमारी गोभी मंचूरियन की सॉस तैयार है। इसे थोड़ा सा थिक करने के लिए हम ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च स्लरी। स्लरी को हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। कंसिस्टेंसी आपको कितनी थिक चाहिए उसी हिसाब से स्लरी ऐड करेंगे। सो इट सीम्स कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट फॉर द ड्राई गोभी मंचूरियन। फाइनली हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड गोभी। गोभी डालने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और गोभी को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी डालने के बाद हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे बिकॉज गोभी मंचूरियन का जो क्रिस्पीनेस है वो चला जाएगा। सो फ्रेंड्स सॉस गोभी पीसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। सो आवर गोभी मंचूरियन इज रेडी टू सर्व। तो चलिए गरम गरम गोभी मंचूरियन सर्व करते हैं और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन ऐड कर देंगे टू गार्निश। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो एन्जॉय दिस अमेजिंग ड्राई गोभी मंचूरियन एट योर होम किचन एंड यू कैन लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो यू कैन एन्जॉय दिस एज अ कॉम्बो विथ फ्राइड राइस एंड हॉट एंड सॉर मंचाओ सूप।